बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस असगर है और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ। मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। आज का मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करना है। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंगो एक्सपोर्ट का मुकम्मल प्रोसीजर और उसकी मार्केट्स और इसका सारा एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। आज की जो वीडियो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन प्रोडक्ट है, इसकी एक्सपोर्ट और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से फ़ैन एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन, चाहे वो डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है या वो कमर्शियल कैटेगरी में आता है, तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस एक यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकें। इसमें कितना पोटेंशियल है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली पाकिस्तान में जो फ़ैन की मैन्युफैक्चरिंग है वो मेजर जो सिटीज़ हैं उसमें गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर और कराची, ये चार मेन सिटीज़ हैं जहाँ पर फ़ैन मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर आप सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ये चार सिटीज़ हैं जहाँ से आपको बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के फ़ैन्स मिल सकते हैं। जो टॉप जो इसकी वैरायटीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो सीलिंग फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन है, इसके बाद एग्जॉस्ट फ़ैन, टेबल फ़ैन, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी की बन भी रही हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। फिर वैसे मेजर एक्सपोर्ट के लिहाज से हम फ़ैन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी है जो आउटपुट 125 वाट के अंदर आपको आउटपुट देती है, यानी फ़ैन की वो कैटेगरी जो 125 वाट से नीचे है, और दूसरी वो कैटेगरी है जो कि 125 वाट से ज़्यादा आउटपुट पे काम करती है, उसको हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल फ़ैन्स कहते हैं, जबकि 125 वाट से नीचे जो फ़ैन है वो डोमेस्टिक फ़ैन कहलाता है। इन दोनों की जो पहचान है उसके लिए HS कोड्स यूज़ होते हैं। जिस तरह हर प्रोडक्ट का एक यूनिक HS कोड होता है, इसी तरह हम इंडस्ट्री और जो कमर्शियल फ़ैन है इसके लिए भी डिफरेंट HS कोड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके जो डोमेस्टिक फ़ैन है 125 वाट तक जो आउटपुट देते हैं उसकी अगर HS कोड की बात करूँ, तो इसका HS कोड है 841451, जबकि 125 वाट से जो ओवर रेटिंग के फ़ैन्स हैं उनका कोड है 841459। तो इन दो कोड्स के ऊपर हम वर्किंग करेंगे और इनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इनका ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेस्टिक फ़ैन की बात करें, जिसमें आपका टेबल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, तो 2016 से 2020 तक इसमें ग्रोथ है, इसकी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर हम 2016 की बात करें तो $4,000 मिलियन की इसकी एक्सपोर्ट हुई थी पाकिस्तान से, जबकि 2020 की अगर हम बात करें जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 5,538 मिलियन की फ़ैन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी फ़ैन्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। जबकि अगर हम कमर्शियल फ़ैन्स की बात करें, तो कमर्शियल फ़ैन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि 2016 की अगर मैं आपके साथ स्टेटिस्टिक्स शेयर करूँ, तो हमने तकरीबन कोई